आज की इस वीडियो में फ्रेंड हम होशियार फीमेल की बात करने वाले हैं। जी हाँ, अगर कोई होशियार फीमेल है ना तो आपको कुछ इस प्रकार के इशारा देगी जो आपसे प्यार करती होगी। जी हाँ फ्रेंड, आसान सी भाषा में कहा जो स्मार्ट गर्ल होती है ना, जो बहुत ही अपने आपको स्मार्ट समझती है, तो कुछ इस प्रकार का आपको इशारे करते हैं जिससे वो आप समझ सको कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपको लाइक करती हूँ। मगर मेरे कुछ ऐसे भाई हैं जो थोड़े स्लो पड़ जाते हैं इस सब चीज़ों में। उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये लड़की हमसे तो पटने ली, नहीं यार ये लड़की हमसे प्यार नहीं करती है, नहीं तो वो ये इशारे देती। भाई मेरे अगर ये इशारे दे रही है तो 100% है कि वो आपको पसंद करते। जी हाँ फ्रेंड, एक स्मार्ट गर्ल की ये पहचान होती है कि हमेशा ये सोचती है कि मेरी तरह स्मार्ट बंदा चाहिए मुझे, जो मेरे दिमाग से दिमाग मैच कर सके और जो मेरी बातों में अपनी बातें को मैच कर सके। जी हाँ, उनको ऐसे लड़के पसंद आते हैं फ्रेंड। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक वॉच करेगा भाई, इस वीडियो को कैसे स्किप मत करिएगा, वरना नुकसान आपका ही है भाई। अधूरी ज्ञान कभी किसी के काम नहीं आई, आपके भी नहीं आने वाली। तो भाई प्लीज इस वीडियो को एंड तक वॉच करेगा। छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि अगर भाई प्लीज क्या आप इस पे प्यार बढ़ा एक लाइक कर सकते हो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस कर लेना प्लीज भाई, इतना छोटा सा काम कर दीजिएगा। क्या बढ़ते हैं वीडियो में फ्रेंड। देखो, जिसमें नंबर वन पॉइंट होता है ना, वो होता है बहाने लाना। जी हाँ, आपको एक पता होना चाहिए फ्रेंड कि अगर कोई फीमेल या फिर कोई गर्ल है, ठीक है, वो किसी बहाने से आपके आसपास बढ़ना चाहती है, आपके आसपास रहना चाहती है, आपसे बहाने ढूंढती है बात करने के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप छत पर हो, वो किसी ना किसी बहाने से अपने छत पर आती है, ठीक है, कहीं कपड़े सुखाने के बहाने, कोई चीज़ लेने के बहाने, या फिर कहा जाए कोई बर्तन वर्तन के बहाने, मतलब किसी भी बहाने वो अपने छत पर आ रही है, खिड़की पर आ रही है, अपनी गली से आपके होके गुजर जा रही है, किसी बहाने आपके घर में गुजर जा रही है कि मुझे ये मिल सकता है, क्या मुझे वो मिल सकता है, यार मेरी ये हेल्प कर दो, मेरी वो हेल्प कर दो, मतलब किसी भी बहाने आपसे कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। तो मतलब इसका साफ साफ ये है कि वो आपको पसंद करती है, वो आपसे प्यार करती है। जी हाँ, वरना ऐसे किसी के पास फालतू टाइम नहीं पड़ा जो किसी के लिए वेस्ट करता रहे। मगर आप लोग लगता है कि नहीं अपने किसी काम से आ रही हो, नहीं अपने, अरे भाई मेरे पहले उसका नजरिया देखो यार, काम एक बार होता है, दो बार होता है, ये क्या मतलब बार बार ऐसा हो रहा है फ्रेंड। आपको बस नोटिस करना है कि जब भी मैं छत पे जाता हूँ, ये हमेशा मुझे क्यों मिल जाती है, जब भी मैं गली से बाहर निकलूँ हमेशा मेरे को क्यों दिख जाती है, बस आपको ये चीज नोटिस करना है। और देखना फ्रेंड, खास रिएक्शन ये होगा कि आपको देखने के बाद वो थोड़ी सी चौंकेगी, थोड़ी सी खुश हो जाएगी, थोड़ा सा रिएक्शन बस चेंज होगा। आपको बस इस बात का पता लगाना है, 100% आपका भाई ठोक के बात कह सकता है कि भाई वो आपसे प्यार करती है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट होता है फ्रेंड, वो होता है इरिटेट होना, गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन दिखाना। अब आप बोलोगे कि सर ये सब तो वो बताते हैं कि हम तो आपसे नफरत करना चाहते हैं। अरे नहीं भाई मेरे, अगर वो आपको सच में प्यार करती है, सच में आपको पसंद करती है ना, तो कभी ये नहीं चाहती कि आप कभी गलत राह पे जाओ, गलत चीज लो, गलत हरकतें सीखो। अब अगर आपने कोई गलत चीज, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपने स्मोकिंग कर ली, ठीक है, स्मोकिंग करते हुए वैसे देखा जाए तो भाई बहुत बैड मैनर्स है, ठीक है, ये सब मत करना कभी। स्मोकिंग कर रहे हो आप, स्मोकिंग करते हुए उसने आपको देख लिया तो भाई करो इतना ज्यादा गुस्सा होगा कि कुछ दिनों तक तो आपसे बात नहीं करेगी, ऐसे इग्नोर करेगी जैसे कि मतलब कि आपसे उसको बहुत ही रिलेटिव वाला कॉन्टैक्ट था और उसको कॉन्टैक्ट उसने तोड़ दिया है। वो इतना ज्यादा गुस्सा दिखाएगी, आप जिस रास्ते आ रहे हो वो रास्ता चेंज कर देगी, आपको देखकर मुंह मोड़ लेगी, तो मतलब इसका साफ यही है कि वो आपसे बेहद प्यार करती है। वो कभी ये नहीं चाहती कि आप किसी गलत संगत में पड़ो, गलत हैबिट आ जाए आपके अंदर, गलत हरकतें सीख जाओ, बस इसके चलते वो आपसे गुस्सा होती है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपने कुछ कह दिया या फिर आपकी बात हो जाता है, सीरियसली ले आना, और आपकी लड़ाई काफी लंबी चलती है, तो मतलब कि 100% है कि प्यार है, कोई फ्रेंडशिप नहीं है, कोई यारी दोस्ती नहीं है, ओनली प्यार है, ठीक है। तो आप इस दो इशारे को ध्यान में रखिएगा फ्रेंड। ये लास्ट इशारा है जो कि इंस्टाग्राम पर मेरे किसी भाई ने पूछा था प्यार से, तो उसको मैं प्यार से रिप्लाई कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, इस पॉइंट पर ना तीन पॉइंट है, जरा ध्यान समझिएगा। एक ये कि वो आपको समझती है, दूसरी वो आपको लेकर ट्रस्ट रखती है, मतलब आप पे विश्वास करती है, इतने नहीं, और जो चौथा और जो तीसरी जो पॉइंट है वो ये है कि आपको लेकर हमेशा टाइम देती है। जी हाँ, आप कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, आपसे कोई बुरी बात हो गई है, आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो, बहुत उदास बैठे हो, तो आपको हमेशा मोटिवेट करने लग जाएगी कि यार तुम क्या यार इतनी छोटी सी बात को लेकर मतलब हो गए हो, और तुम पे विश्वास करती है तो तुम पे कभी गलत तुम्हें मतलब सोचेगी नहीं, हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेगी कि नहीं यार तुम्हारी गलती नहीं हो सकती, उसमें उसी की गलती होगी, उसी ने तुझे बहकाया होगा, उसी ने तुझे ये कहा होगा, उसी ने तुझे वो क्या कहा, मतलब कि आप पर ट्रस्ट रखती है, ठीक है। और आपके साथ वो फुल टू टाइम स्पेंड करती है, अगर आपने उसे कॉल किया, आपने उससे बात करना चाहा, आपने उसे कुछ भी कहा, एक टोक भी दिया, तो आपको रिप्लाई देना जरूरी समझती है। अगर आपके बात कुछ भी कहे तो आपकी बातों को महत्व रखती है। अगर आपने उसे कहा हेलो सुनो, तो उसमें हाँ बोलो क्या बात है, बताओ कैसे आज क्या बात है, सामने से टोक दिया, मतलब कुछ इस प्रकार का आकर आपको दिखाती है केयर टेकिंग, इस तरीके से आपको रिस्पेक्ट देती है, इस तरीके से अपना अपना टाइम भी दे देती है आपको। अगर आपने उससे कोई हेल्प मांगी तो आपको हेल्प भी करने को तैयार हो जा रही है। तो भैया क्या सोच रहे हो यार, साफ साफ बता रहा है कि वो आपको पसंद करती है। मगर ये सब फ्रेंड क्या होता है, ये होशियार लोग ऐसा इशारा करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बंदा भी स्मार्ट है, बंदा भी होशियार होगा, इतनी समझ जाएगा मेरे सारे को। मगर भाई मेरे, प्यार के मामले में भी आप पता नहीं क्यों स्लो पड़ जाते हो, वरना तो आप बहुत ही फास्ट हो यार। आप लोग देख लो भाई मेरे, ऐसे कितने सब्सक्राइबर है जो अपने लाइफ में कितने ज्यादा सक्सेसफुल बंदे बैठे हुए, मगर कुछ ऐसे बंदे हैं जो प्यार के मामले में स्लो हो जाते हैं। मगर कोई बात नहीं, आपका भाई है, सारे टेंशन को समेट कर सॉल्व कर देगा। मगर उसके लिए बस आपको इतना छोटा सा काम करना पड़ेगा कि आप
आपको बस मैंने इंस्टाग्राम पर आकर फॉलो करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ये भी नहीं कर रहा कि फॉलो करो, अरे भाई मेरे फैमिली मेंबर है यार, फैमिली मेंबर से अभी मैं फॉलो नहीं करवाता, मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे से दोस्ती करो, मेरे से बात करो, जो करना है करो, मगर पूरी मैसेज लिख कर करो, ठीक है। खैर, सर्चिंग नेम है कैलाश राय 104 और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, फ्रेंड चाहो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और इतना कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी, भाई देखो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपनी तरफ से एक लाइक कर देना भाई, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करो, तो बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, तो इतना छोटा सा काम कर दो यार, मुझे भी लगे कि आप सब्सक्राइब करके बता रहे हो कि वीडियो अच्छी थी। और अगर आपको लगता है कि फैलानी चाहिए वीडियो, तो भाई फैला दो यार, शेयर कर दो भाई अपने दोस्त यार भाई बंधु जो भी है, शेयर कर दो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पर भाई को फॉलो कर लेना, ठीक है। बाकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।